जनाब अली हमारे साथ मौजूद हैं, मुमल साहब और अली भाई, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। आप लोगों की दोस्ती कितनी पुरानी है वैसे? माशाल्लाह तकरीबन कई साल पुरानी, कई साल, कई साल, कई साल, कई बात कहते हैं, सालों की दोस्ती, सालों की दोस्ती। अच्छा, और ऐसी काम करते करते दोस्ती या वैसे ही? नहीं, मजे की बात है कि काम हमने अभी तक साथ किया नहीं है ना, आज तक, हाँ आज तक साथ काम नहीं किया आप लोगों ने। नहीं, वैसे इस इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त हो सकते हैं जब आप काम करते हैं, उनके साथ काम का ही ताल्लुक हो सकता है? बस डिपेंड करता है, और बिल्कुल हो सकते हैं, आप दोस्त कहीं पे भी बना सकते हैं, किसी भी फील्ड में। तो साथ काम करो तो वो एक जेलेसी वाला वो फैक्टर नहीं आया था आमतौर पे? आई थिंक अब वो इंडस्ट्री वो नहीं रही, जान मैच्योर हुई है, जरा मैच्योर हो गई है, हर बंदे की अपनी जगह है इस इंडस्ट्री में, हर बंदे का अपना मार्क है। हाँ, कई लोग कुछ ज्यादा अच्छा काम करते हैं, कुछ कम अच्छा काम, अपॉर्चुनिटी में इसका मतलब। यार मुमल ये बताएं, ये आप ये जावेद साहब से क्यों फोन शोन करवाती हैं काम वाम के लिए? अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, आप मुझे ये बताएं सबसे पहले। हाँ, हम इस बारे में बात करेंगे, आपने क्यों बुलाया था हम दोनों? ये आपके भाई ने बोला है, मैंने नहीं बोला, भाई ने, मैं भी आपका भाई हूँ, लेकिन आपके ये वाले भाई ने क्या बोला यार? भाई बोल रहे हम तो, अपना भाई जी, भाई अपना भाई, शहजाद के लिए फोन शोन किए थे? कभी नहीं, कभी भी, एक भी नहीं, एक भी, नेवर। आप पूछ ले, मैसेज भी नहीं किया, फोन तो दूर किया, मिस कॉल भी नहीं मारी, नहीं आज मतलब कोई सीन ही नहीं, दादा कोई सीन ही नहीं। मोमल को मेरे मुकाबले में अब्बा ज्यादा सपोर्ट करते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, वो सपोर्ट करवाती है? आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। आप नहीं करते है? नहीं यार, नहीं, आप नहीं, मैं कह रही हूँ भाई, मतलब क्या यार। मैंने एक्चुअली क्लिप्स आ गए मेरे हैशटैग के ऊपर, मैं देख रही हूं। शो के बाद ही हुआ था आपके साथ? बिल्कुल हुआ था, मैंने आपसे जिक्र किया था, मैंने शहजाद को फोन किया, मैंने कहा शहजाद तुमने क्या बोला? कहता है ऐसी बस ऐसी बोल गया। मैंने कहा मुझे ये बता दो कि कौन से दिन मैंने फोन करवाया बाबू, क्या बोला वो? अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई फोन नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्रीज के इसके इसके घर जाने, ये करना है, ये मुझे बाहर से ये ला के दे, वो सारी चीजें मैं मनवाती हूँ। शहजाद ने तो ऐसे ही बोल दिया, जावेद साहब को एंडोर्स कर रहे थे। आई एम शॉक्ड अबाउट दिस, आप दोनों को फोन मिला है, पूछे कैसी बात है। तो बाहर कौन से प्रोजेक्ट मिले वैसे? मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरे डायरेक्टर को बता। हाँ, वो भी फिल्म जो थी वो उसमें बाबा थी। अच्छा, तो थी फिल्म थी जो मैंने की है निकला भाई। हाँ, अच्छा, जो मैंने की है उसमें बाबा भी थे, परफ्यूम नहीं थे, और यस के बाबा भी इंडिया में काम कर रहे थे, ऑल ऑफ दैट, बट मुझे मेरे कैलिबर पे, अपनी जगह खुद बनाई है, काम की बात कर लूंगा, बताया कि जावेद शेख साहब ने जब इंडिया में भी जब उनको कुछ नाम देने को कहा गया तब भी उन्होंने इनका नाम नहीं लिया, बाकी और लोगों का नाम लिया, करते ही नहीं है, तो ये मजाक की बात थी। उनका शहजाद भाई का शुक्रिया कि उन्होंने जरा हमें एक मजाक का मौका दिया, शहजाद भाई के लिए तालियां, बाकी उनसे बात कीजिएगा दोबारा। थैंक्स। आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में बहुत सारे? जी जी, बहुत सारे। कॉमन एनिमीज भी हैं? I don't have any enemies. I don't have any. चाहे वो इंडस्ट्री हो या रियल लाइफ हो, आई डू नॉट हैव एनी। देखा मैं कैसे ब्लैंक हो गया जब, क्या बात है, मतलब बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि यार इसकी है, लेकिन वो बताएगा। एक तो वो, और कौन? एक तो वो, और दूसरा जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। अच्छा, अभी तक बता दिया, सेट नहीं हुआ वो? अब ओके करे तो बता सकते हैं। नहीं, वो दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ इनके साथ डिनर पे नहीं गई थी, दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है, साथ में फिर ये चला गया था, गुड फ्रेंड। चलो भाई, अच्छी गपशप हो रही है, तो जरा हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड के जाने, यानी कि योकर राउंड के जाने। चले भाई, इसने हाँ आना है योकर में, तो मुमल नहीं, हमने क्यों नहीं चूज किया, आपने क्यों चूज किया? मेरा शो मेरी मर्जी, और हमारा हम मेहमान हमारी मर्जी, आपका जवाब आपकी मर्जी का, मेरा सवाल मेरी मर्जी का। मगर ये एटलीस्ट रिकॉर्ड के लिए मैंने चूज किया योकर। हाँ, अली भाई की वजह से योकर। हाँ आना, अब पाकिस्तान में भारत से ज्यादा टैलेंट है, पाकिस्तान में भारत से ज्यादा टैलेंट है, हाँ या ना? बॉलीवुड में काम करने का तजुर्बा बस ठीक ही था,
नहीं बहुत अच्छा एक्सेप्शनल था जबरदस्त था यू वुड लव टू वर्क अगेन व्हेवर आई मीन लाइक नॉट जस्ट बॉलीवुड हर जगह काम करने इंटरनेशनली काम करने okay. का तो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस आपको मिलता है सही right? है तो अच्छा एक्सपीरियंस डेफिनेटली अली भाई हाँ या ना लोगों की अक्सरियत आज भी वो जो एक इश्तिहार नहीं था वो एक फूड चेन वाला लोगों की अक्सरियत जिसमें आप उलझ रहे होते हैं एक सेल्समैन से लोगों की अक्सरियत आज भी उस इश्तिहार को सच्चा समझती है हाँ या ना लोग प्लांटेड नहीं था वो एक्चुअल लोग ये समझते समझते हैं बिल्कुल तो एक्चुअल था तो नहीं ना नहीं वो एक पेड एक कैंपेन थी जो कैंपेन थी हाँ कैंपेन का हिस्सा था आपको लोगों को यकीन दिलाना पड़ा कि भाई मैंने असल में ये नहीं किया मुझे उससे यकीन आया कि बस जो लोग देखते हैं ना उसमें यकीन कर लेते हैं वैसे उस पे मैंने खुद बोला था कि मुझे लग नहीं रहा कि ओरिजिनल लगेगा थोड़ा दोबारा कर लेते हैं और मैंने फिर कुछ चीजें ऐसे ऐड की मैंने कहा लोगों को पता लगे कि मैं कैमरे में देख रहा हूँ ये वो अभी भी लोग यही कहेंगे कि नहीं नहीं वो भूल पाते अगर आपको उसी का कोई सीक्वेंस हो या सीक्वल जो भी हो कि तो आप करेंगे कभी भी नहीं करेंगे अच्छा और गालियां पड़ी उससे डबल पैसे मिलने तो मैं नहीं करेंगे भाई लेकिन मैं बात की गारंटी देता हूँ ठीक है अली भाई हाँ या ना सियासत में आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूंगा ना ना तो क्या ज्वाइन करेंगे अच्छा अपनी जवाद अहमद अपनी पार्टी बनाएंगे ठीक है ओके अली साहब जो है वो अंदर से फुल बर्गर है अंदर से आप उनकी दाढ़ी का रंग देखें हर लिहाज से अच्छा फुल बर्गर की डेफिनेशन क्या होती है फुल नहीं है आई मीन थोड़ा थोड़ा देसी भी है हां देसी हूं मैं देसी भी है ओके ठीक है आती है भाई मोमल कुछ कुछ लोग हैं जिनके साथ में कभी काम ना करूं आया ना झूठे लोगों के साथ अच्छा ओके भाई स्क्रिप्ट अली भाई स्क्रिप्ट अच्छा ना हो और पैसे बहुत अच्छे हों तो मैं शायद काम कर लूं शायद ना नहीं अब नहीं भाई मोमल एक्टिंग के लिहाज से बताएं तीन नाम ले रहा हूं मोमल शहजाद और शहरोज 1 2 3 नहीं आप हमेशा ये सवाल पूछते हैं आपसे कब किया मैंने सवाल लास्ट जब मैं आई थी मैं तो वही जवाब रिपीट कर दे नहीं मैं क्यों रिपीट करूं वरना मैं चला दूंगा नहीं आप दूसरा सवाल पूछेंगे शहजाद और शहरोज ये दूसरा सवाल है नहीं फैमिली से कोई रिलेटेड फैमिली से वाला था बस अब हर वक्त फैमिली 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 भाई ने ये सब शुरू फैमिली मैं तो फैमिली से ना साइड पे करे भाई अच्छा चलो छोड़ दिया क्यों आप इतनी फेमस फैमिली से अली भाई बहुत है ना इस दोस्ती यानी मोमल के साथ दोस्ती निभाना बस मेरे ही बस की बात है हाँ या ना ना अच्छा शी इज इजी टू वेरी ओके ओके भाई एक कश्ती हमारे पास बजट ज्यादा था हमारे पास हमने कश्ती रखी ये आपकी जो कश्ती है ना आई स्वेयर ये वाली है देखिए ये बड़ी मॉडर्न हो गई है कश्ती यार ये कश्ती तो बड़ी जबरदस्त एक दिन में जबरदस्त हो गई है अपग्रेड करवा लिया है अपग्रेड करा दी थी वो जो बिजनेस क्लास में आपको देखें ये वसीम भाई की कश्ती और इसमें वसीम भाई तो खुद नहीं गए सही है ये कश्ती कश्ती में आगे मैं बैठा हूँ मैं कश्ती चला रहा हूँ तो मेरा आप मेरे साथ बैठी तो मैं आपको भी उतरने दे ही नहीं सकता कैसे हो सकता है पीछे बैठे दो साहब मैं और आप बैठे पीछे दो लोग और बैठे एक है शहजाद ठीक है एक है शहरोज दोनों को फेंक दूंगी मैं हे अच्छा इत्तेफाक की बात है कि ख्यालात बड़े मिलते जुलते एक दूसरे के बारे में शहजाद ने क्या कहा था जरा ये देख ले पहले कश्ती आ गई दोबारा आपकी कश्ती में जावेद साहब है और मोमल है एक से आपने गुजारिश करनी है कि प्लीज गुजारिश क्या मोमल को धक्का मोमल आप देख ले मैं आगे क्या तो माशाल्लाह ख्याल बड़े मिलते हैं एक दूसरे के बारे में ये हम आंगी का लेवल देखें बहुत प्यार है भाई बड़े जवाब दोनों का इस वजह से ये सेम लग रहा है कि इन्होंने बोला मैं दोनों को फेंक दूंगी उन्होंने बोला मैं इनको फेंक दूंगी इन्होंने अभी बोला कि इसके बाद फेंकने के बाद फैमिली का क्वेश्चन हमसे खत्म हो जान छुड़े भाई सही भाईजान आपकी कश्ती में जो है ना मेरे और मैंने आपको बैठा लिया साथ पीछे बैठी है मोमल साहब मोमल अब आगे से पीछे आ गई और हरीम फारूक साहब बैठे इसमें इतना होगी क्या बात थी आपको फेंक देंगे खत्म बात एकदम से मुझे बचाओ वसीम भाई एकदम से आप मुझे गीले गीले नजर आए
मैं नहीं जा रहा, मेरी तो कश्ती है भाई। अच्छा अच्छा, आप भी नहीं जा रहे तो या मोमल ने जाना है या हरीम ने जाना है? अच्छा हाँ, आप क्या कहेंगे, हरीम मान जाए? तो मैं तो फिर तो मुझे दोनों को फेंकना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं मुझे फेंक दूं जो स्विमिंग, एक को अगर मैंने फेंक दिया तो प्रेफरेंस हो जाएगी ना, तो मैं क्या कहूंगा प्रेफरेंस में क्या मसला है? वो कह रही है कि मुझे वो वॉलंटियर करने को तैयार है, मैं वॉलंटियर करती हूं हरीम। ओके ठीक है, हां फिर हम मोमल को फेंक देंगे, हरीम को बचा लेंगे। मोमल फेंकने को तैयार है भाई, चलो ठीक है, बड़े अच्छे हो, सही है भाई, ऑलरेडी फेंकी हुई हूं पहले भी, ऑलरेडी सजा फेंक चुके हैं। हां मैंने कहा पहले ही, मैं अभी तो आई थी, किसी ने मुझे बचाया था, फिर कह रहे मुझे मेरे भाई ने फेंक दिया, तो अली तुम तो फेंक ही आ रही है हमारी तरफ स्विमिंग करके, अरे नहीं नहीं नीचे ही रहो तुम, नीचे जितने भी आपके गेस्ट आएंगे और उनसे ये सवाल पूछेंगे ना, तो आप मेरा ऑप्शन दे दो, कहेंगे मोमल है, आप पानी में रहे सीजन क्या है पानी में भाई, ये ठीक है ठीक भाई। अगला राउंड बड़ा अहम है क्योंकि उस राउंड का नाम है गुगली राउंड, चले भाई, यानी खाली जगह है जो आपने पूर करनी है। अली भाई मोमल बहुत डैश है, मोमल बहुत डैश है, हाँ। नहीं आप डैश में कोई अच्छा लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, हाँ हाँ, हाँ। वही जो डैशिंग मोमल बहुत डैशिंग है, मोमल अच्छा, मोमल बहुत डैशिंग, बहुत डैशिंग, अच्छा डैशिंग है अली में, डैश तो है मगर डैश नहीं है, अली में डैश है पर डैश नहीं है, हाँ। अली में आपने लेकिन बड़ा यूं कर, क्या यार I'm stuck, oh God, कुछ ऐसा है इनमें जो इनमें नहीं है, आदि है ना, आदि जल्दी से कम ऑन यार, आप मदद कर सकते हैं भाई, कम ऑन आदि, अली आप अच्छा सा, आप क्यों मदद कर रहे हैं, अच्छा सा मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सर क्यों मदद करता हूँ, क्या यार I'm stuck, चलो भाई बताओ यार कुछ करो, कुछ करो तू खुद ही बता दो, अली में डैश है, आमिर भाई आप बता दें, अली में शुगर है लेकिन इसको डायबिटीज नहीं है, ये मुनासिब, अली बहुत फ्रेंडली है हाँ, लेकिन अली कभी कभार समझता नहीं है, हाँ बताएं बच्चा, ठीक है बस सही है, अब दोस्ती इंडस्ट्री के में से आप किसी का या किसी दोस्त का नाम ले सकते हैं, इसमें डैश बहुत तेज चीज है, डैश बहुत तेज चीज है, बहुत तेज चीज है, डैश बहुत तेज, मैं आपको नहीं कह रहा, शुक्रिया, मैं जुमला मुकम्मल, बहुत तेज चीज है हाँ, डैश बहुत तेज चीज, हाँ शहजाद, शहजाद शहजाद बहुत तेज चीज है, हरीम फारूक से मैं कहना चाहूंगा आप डैश, मैं हरीम से मैं कहना चाहूंगा, हरीम आप डैश, हरीम आप डैश है, हरीम आप 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 छोटी हैं, ओए ओए हज़फ किया जाए जुमले, हमने माइनस कर दिया, आप हम बिल्कुल, मैं हरीम से कहूंगा कि आप बहुत सपोर्टिव हैं, सपोर्टिव, बहुत सही तालियां हरीम के लिए, क्या भाई आखिरी सवाल है भाई, डैश असल जिंदगी में भी बहुत बड़ा ड्रामा है, डैश असल जिंदगी में भी बहुत बड़ा ड्रामा है, हम सब अच्छा सारे ड्रामे है भाई, क्यों हम नहीं ड्रामे करते घरों में अपने, हाँ बात, चार तालियां, चार तालियां, चलो पांच हो गए, वो एसओपीस की वजह से दूर दूर बैठा है ना, कमरा बड़ा, ठीक है भाई चले ठीक, बड़े अपने अगले राउंड की जाने, यानी कि रिव्यू राउंड की जाने चलेंगे, कुछ तस्वीरें हैं जरा उन पर कुछ कमेंट, कोई मशवरा कुछ भी, पहली तस्वीर अली भाई आपके लिए, बिलाल अशरफ, हाँ क्या कौन है, कितना जानता हूँ इंडस्ट्री के लोगों को, अच्छा बिलाल अशरफ बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, okay. बॉय हैं और बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, और अगली तस्वीर अली भाई के लिए अरमीना खान, अरमीना खान बहुत ही एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, टैलेंटेड एक्ट्रेस, मोमल अगली तस्वीर आपके लिए, जन्नत मिर्जा, शी इज सोशल मीडिया समथिंग राइट रिलेटेड टू, जन्नत दोजख का फैसला कर लें, जी जी सोशल मीडिया, हाँ टिकटॉक गलत बोल रही हैं, अंकित तारुफ थोड़ी पूछा है यार, मतलब अच्छा, कोई मशवरा, कोई एक बात, मशवरा कोई जो बात पहली दफा है, पहली बात जो है आपके साथ के के बिकॉज़ आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, हाँ। तो अच्छे अच्छे मैसेजेस देते थे, ओके अगली तस्वीर दिखाई थी, ये वो है दांगदी, ऑफ कोर्स, हां एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय डूइंग द राइट वर्क थ्रू हर सोशल मीडिया, सो कीप इट अप, ओके अगली तस्वीर दिखाई,
बुशरान जी, मेरी और बुशरान जी की सेम डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा yes, yes. Okay, क्या बात है। हम एक जैसे हैं। अली भाई अगली तस्वीर दिखाएं। हाँ आपके लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ क्या क्या ये क्या ए बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत उनकी अली भाई इनका नाम क्या है इनका हाँ इनको मैं न्यूज पे देखा है खबरें पढ़ते हैं खबरें जो पढ़ते नहीं खबरें नहीं पढ़ते। इन खबरें नहीं पढ़ते ये इनका एक शो आता है ये दर्जी है दर्जी दर्जी भाई ये लड़ाई लड़ाई कराते हैं हाँ ये वो जो रेफरी हैं रेफरी जावेद चौहान साहब किसकी आवाज है लेकिन हम करेंगे अरे भाई वही ले रहा हूँ बंद करोगे वही कसम खुदा की ब्रेक ही ले रहा हूँ भाई अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ आज वेलकम बैक नाज़रीन के साथ